कुछ लोग कहते हैं दमा दम लेके जाता है, कैसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिससे कि आपका दमा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो आइए मैं आपको कुछ आसन दिखाती हूँ। सबसे पहले गौमुख आसन, जैसे कि गाय, नाम से ही पता चल रहा है, गौ गाय के समान आकृति। तो देखिए, सबसे पहले पैर को, एक पैर को खोलेंगे, दूसरे को उसके ऊपर से लाएंगे और ये वाला मोड़ते हुए, ये गाय का मुंह और ये गाय के कान, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, और ये वाला पीछे से लेके जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में पकड़ लेंगे इस प्रकार। और इसी में हम लंबा गहरा श्वास लेंगे 4 से 5 बार। ऐसे ही हम दूसरे पैर से भी करेंगे, जो पैर ऊपर था उसको नीचे लाएंगे, जो नीचे था उसको ऊपर लाएंगे। ये वाला हाथ ऊपर से, ये नीचे से पकड़ लेंगे आपस में, लंबा गहरा श्वास। अस्थमा के रोगी को श्वास की समस्या ज्यादा होती है, तो इसमें लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे धीरे से वापस। अगला अभ्यास करेंगे अर्धमस्तेंद्र का। इसमें एक पैर खोलेंगे और दूसरा पैर उठाते हुए साइड में रख देंगे, जो पैर है उसका ऑपोजिट हाथ घुमाते हुए पंजे को पकड़, और ये वाला हाथ पीछे जाएगा ऐसे कमर पे, और गर्दन से पीछे ले जाएंगे और पीछे देखेंगे। धीरे से वापस आएंगे और कुछ समय तक इस अभ्यास में रुकेंगे। इस अभ्यास को करते समय इस वाले पैर को मोड़ेंगे, और जो पैर है, जिस पैर को मोड़ा है, जो पैर ऊपर है उसका ऑपोजिट हैंड होगा, ऐसे घुमाते हुए लेके जाएंगे और पंजे को पकड़ेंगे। ये वाला हाथ धीरे धीरे पीछे जाएगा और पीछे ही देखेंगे। धीरे से वापस। अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन का, जो कि लेट के होगा। इस प्रकार लेट जाएंगे, दोनों एड़ी और पंजे को मिला लेंगे, दोनों हाथों को छाती के बगल में, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। कुछ समय तक रुकेंगे, कुछ समय तक रुकेंगे इस अभ्यास में और धीरे से वापस आ जाएंगे। यहीं से धीरे से उठते हुए, अपने घुटनों को मोड़ते हुए, अपने पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। कुछ समय तक वज्रासन में बैठेंगे और लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। ये हुए हमारे 4 आसन। इन आसनों को आप करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करेंगे, और नीचे और भी आप इसके प्राणायाम के बारे में जानना चाहते हैं, भोजन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरी और भी वीडियो आएंगी, उनको देखेंगे आप, और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने प्रियजनों को बताना चाहते हैं, दोस्त फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।